हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड आई एम कुश पांडे। आपका स्वागत है हमारे खास शो में, जहां पर हम फोकस करते हैं उस सारी खबरों पर जो मैटर करती है फ्रॉम द पेपर, दैट इज द हिंदू। इसके अलावा हम फोकस करते हैं अदर वेबसाइट्स पे, अदर हेडलाइंस पे, एंड साथ ही साथ वी हैव इंक्लूडेड द फाइनेंशियल टर्म्स एंड ऑल्सो अ केस स्टडी। एंड आज फिर से हमने इंक्लूड किया है द रैपिड फायर क्विज। आइए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं सबसे पहले हमारा आज का जो एक हीरो ऑफ द डे है, और वो ये हैं, एंड शी इज़ राइटफुली द हीरो ऑफ द डे गाइस। इनका नाम है एमसी मैरीकॉम। दो शी इज़ अ मदर ऑफ टू चिल्ड्रन, बट स्टिल शी इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन। रिसेंटली शी वन द कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल इन द गोल्ड कोस्ट, एट गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड शी इज़ ऑफ कोर्स आर हीरो ऑफ द डे गाइस। और अभी जो आजकल हो रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, द डिफरेंट इशूज़, जो डिफरेंट केसेज हैं, शी इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ वन सच एपिटोम ऑफ अ वुमन पा। सो टू ऑल द वुमन, टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, शी इज़ द हीरो ऑफ द डे। Her name is, and remember the name, that is MC Maricom. वापस स्क्रीन पे आते हैं और ज़रा थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो, मेरा थोड़ा आवाज़ आज ठीक नहीं है, तो बाकी लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारी द हेडलाइंस, और वो ये रही आपके सामने, एंड दीज आर द हेडलाइंस गाइस। वी हैव पेज नंबर 1, इट हैज़ 2 हेडलाइंस। देन वी हैव पेज नंबर 7, 3 हेडलाइंस। Page number 12, 2 headlines. Then we have 2 financial terms. Then page number 18, 4 headlines. Then we have other headlines, जो कि आज 8 हैं. उसके बाद बात करेंगे हम rapid fire का, एंड आखिरी में हम करेंगे आज की case study. So let's come back to the screen guys, and now let's focus on our image, the image of our first headline, and वो ये रही आपके सामने screen पर. कल हमने बात की थी लॉ कमीशन के बारे में। लॉ कमीशन ने कहा था, वापस स्क्रीन पे आ जाए, लॉ कमीशन ने कहा था कि दे आर रिकमेंडिंग बेसिकली अ साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड द विधानसभा। आज भी जो खबर है वो लॉ कमीशन की है। उसने कहा है कि जो बोर्ड, जो आपका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है भारत में, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द क्रिकेट इन इंडिया, दैट शुड ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक बॉडी, एंड उसको भी जो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक लॉ है उसके अंदर आना ज़रूरी है। सो दीज आर द टू रिकमेंडेशंस गिवन बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें, मेक BCCI अ पब्लिक बॉडी एज पर द लॉ पैनल, ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। द 90-year-old बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI, should be declared a public body as per the law commission. उनका मानना है कि इसको एक public body, एक public entity के रूप में यहाँ पर लाया जाए, that is point number 1. Point number 2, उनका ये भी मानना है कि it should also feature under the right to information law, इसके अंतर्गत भी उसको यहाँ पर लाया जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं जस्टिस BS चौहान, who is the chairman of the 21st law commission, उसके जो चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि ऐसा करना यहाँ पर ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 2-4 पॉइंट्स हैं इनको सर दिखा दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही रेलेवेंट है। इसको जूम आराम से कर लीजिए, टाइम लेके, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेसिकली देखिए, मुद्दा यहाँ पर ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन, देर आर वेरियस करप्शन चार्जेस, देर आर वेरियस मिसगवर्निंग चार्जेस, कई तरह के चार्जेस लगे हैं ऑन द BCCI। सिमिलरली जो अभी आपकी विनोद राय कमिटी भी है, जो विनोद राय का जो COA है, दैट इज द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसने भी कई बार कहा है कि देर शुड बी होल सम चेंजेस इन द BCCI। तो उसको लेकर ये जो 3 आपकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, इसको दिखा दे स्क्रीन पर। सबसे पहले कि आफ्टर द IPL स्पॉट फिक्सिंग कॉन्ट्रोवर्सी, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड लोधा कमिटी टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन द BCCI। द कमिटी स्टार्टेड बाय स्वीपिंग रिफॉर्म्स इन द बोर्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। और यहां दोस्तों आप देख सकते हैं कि एज पर आर्टिकल 12, द सुप्रीम कोर्ट सेड इट वॉज अमेनेबल टू परफॉर्म एज पब्लिक फंक्शन, मतलब उसको एज अ पब्लिक कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। और इसके अलावा उन्होंने एक 4 मेंबर कमेटी बनाई जो कि रन करेगा BCCI को, और उस कमेटी के अध्यक्ष बने श्री विनोद राय। तो वापस जरा स्क्रीन पे एक बार आ जाए, एंड आई विल जस्ट गिव यू इन अ नटशेल बेसिकली यहाँ पर है क्या। एक बार वॉइस क्रैकिंग की दिक्कत आ रही, जरा उसको एक बार देख लें कि ऐसा दिक्कत है कि नहीं है। ओके, आई अगेन रिपीट गाइस, BCCI हैज़ टू बिकम अ पब्लिक बॉडी एज पर द लॉ कमीशन।
it should come under the RTI, that is right to information. Number three, Lodha committee recommendations ne kaha tha ki kai sare change karo IPL mein. Similarly, the COA, that is the committee of administrators led by Vinod Rai, unhone bhi kai changes ki baat yahan par ki hai. Ek baar screen pe dikha de isi ka the Hindu and the static shots, jo ki ye raha ab aapke samne. LC, that is law commission, the 90 year old body, that is BCI ko kaha hai ki that should be declared into a public body. Now it should be also brought under the right to information law. Similarly, jo 21st law commission hai, uske jo adhyaksham ka naam hai Justice B.S. Chauhan. Chaliye ab aage badhte hain, agar ye clear ho gaya hai to ek baar comments mein dal dijiye, yes sir it is clear. Ab dikhate hain aapko hamari next image, par usse pehle aapko dikhayenge graphic, jo graphic mein jo two important sections hai unko aap dekh lijiyega, and wo again it is very इंपॉर्टेंट. ये रहा इसके सामने जो आखिरी के चार पॉइंट्स हैं, मार्क कर दीजिएगा लास्ट फोर पॉइंट्स, इनको एक बार आप देख लीजिएगा, इनसे आपका काफी हद तक समझ में आ जाएगा. मेरे भाई जो कह रहे हैं हिंदी में करो, मैं हिंदी में भी कर रहा हूँ, परेशान क्यों होते हो. नाउ लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज, एंड वो ये रही आपके सामने. बहुत ही जाने पहचाने ये चेहरा है. ही इज़ समवन हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स ऑफ इंडिया, इफ नॉट द मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड बट द मोस्ट फेमस ऑथर ऑफ इंडिया. इनका नाम है चेतन भगत, और मुझे पता है कई लोग इनके बारे में जानते होंगे. और अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझिएगा कि चेतन भगत हैज विल नाउ बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑथर ऑफ इंडिया, बिकॉज इन्होंने एक डील साइन की है विद अमेजॉन्स वेस्टलैंड पब्लिकेशंस या पब्लिशिंग हाउस. चेतन भगत सील्स अ बिग डील विद अमेजन वेस्टलैंड. इट इज़ अ 5-book डील and it is a multi-million dollar deal to be signed in Singapore. Comments and the announcement will be done by April 27. Ek baar screen par dekhiyega yahan dhyan se. Chetan Bhagat is no mere mortal, which probably explains his ability to swing a multi-million dollar deal with Amazon Westland Publication, which is basically the publishing house of Amazon, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. और ये डील जो आपकी हुई है, ये हुई है 5 books की. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, और वो ये रहा आपके सामने. चेतन भगत डील इज़ विथ द वेस्ट एंड पब्लिकेशंस. ये अमेजोन ओन्ड ए पब्लिशिंग फर्म है, और इसकी 5 किताबें हैं, जिनमें से 3 किताब जो होंगी दोज विल बी नॉवल्स. अगर बात करें तो इफ़ दिस डील ट्रांसपायर्स, अगर ये डील अमेजोन के साथ होती है, तो इट मीन्स कि जो एसोसिएशन था विद द अदर पब्लिशिंग हाउस, दैट इज़ रूपा एंड को, उससे जो एक डील है वो कैंसिल हो जाएगा. सो द पार्टनरशिप ऑफ 14 years विद रूपा एंड कंपनी, दैट इज़ एज ऑफ नाउ द पब्लिशिंग हाउस ऑफ चेतन भगत, उससे अब इनका कोई डील नहीं होगा. अगर इनकी बुक्स की बात करें, बहुत सारी बुक्स हैं. The most, the first book of his was One Night as a Call Center. Then we had 5.someone. We had 3 Mistakes of My Life, Revolution 2020, Half Girlfriend. तो कई सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं. Similarly, जो नई किताब थी वो थी What Young India Wants. तो कई सारी books इन्होंने लिख दी है. अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट इमेज गाइस, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा. वेल, इसको एक बार देख लीजिएगा. इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स है, एंड इसको एक बार देख लेना. ये वही लोग देखें जो तैयारी कर रहे हैं UPSC की या फिर PSC की. बाकी जो बैंक SSC वाले हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज, और बात करते हैं अबाउट चंद्रयान. नाउ लेट्स कम बैक गाइज. हम चेक कर रहे थे साउंड को. आई होप अब आपका साउंड का प्रॉब्लम सही हो गया है. हम चेक कर रहे थे साउंड को, तो साउंड का प्रॉब्लम यहाँ तो अब सही है. तो चलिए दिखा दें फिर से उस इमेज को. ये रही आपके सामने द इमेज गाइज. वेल, लेट्स फोकस ऑन चंद्रयान 2. इसकी बात करते हैं. ये है, ये खबर जो है ये पेज नंबर 7 पे है. चंद्रयान 2 लॉन्च पोस्टपोन टू अक्टूबर नवम्बर. ये हमारी खबर है दोस्तों. According to ISRO chairman Mr. K. Sivan,
The launch of India's second mission to the moon, that is Chandrayaan 2, has been scheduled to later this year, especially in October or November, as per the ISRO chief, that is Mr. K. Sivan. तो इनके हिसाब से इनका कहना है कि जो चंद्रयान 2 है वो आपका अक्टूबर या नवंबर में आपका होगा. एक बार दिखा दें इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने गाइस. ये जो खबर है ये खबर पेज नंबर 7 पर है, तो अगर आप लोग 7 पर नहीं पहुंचे हैं तो बिल्कुल पहुंच जाइएगा. India's second mission to the moon, that is Chandrayaan 2, which was scheduled for this month, has been postponed to later this year. इस साल अक्टूबर नवंबर में इसको किया जाएगा. यहाँ पर ज़रा मार्क कर दीजिएगा कि चंद्रयान 2 will consist of three very very important parts. It will consist of a orbiter, a lander and a rover. तीन चीज़ें यहाँ पर हैं. एक ऑर्बिटर होगा इसमें, एक लैंडर होगा और एक आपका रोवर होगा. Now what is orbiter? Orbiter will be the part that will revolve around the moon. Lander will be the part that will land the satellite, that will land the vehicle on moon. And rover will be the part that will investigate or that will go through the entire surface of the moon. तो तीन हिस्से हैं इसके, orbiter, lander और rover. Orbiter revolve करेगा चारों ओर, lander वहाँ रुकवाएगा और rover पूरे area को investigate करेगा या फिर check करेगा. सेकेंड बात यहाँ बात बताएं आपको, जरा मार्क कर दीजिएगा कि दिस पर्टिकुलर लूनर मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय GSLV-MK2 और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK2. ये इसको लॉन्च करेगा और जो इसका लॉन्च डेट है, दैट इज़ जो इसका लॉन्च साइट है, दैट इज़ सतीश धवन स्पेस सेंटर. तो ये चार चीज़ें एक बार आप बिल्कुल देख लीजिएगा. अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, साउंड की प्रॉब्लम फिर से आ रही है. साउंड प्रॉब्लम है या फिर साउंड बढ़ाना है? अगर बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, पर आई होप आपको साउंड क्लियर हो रहा होगा. अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज और वो ये रही आपके सामने. एंड दिस इज़ द इमेज गाइस. एक ब्रेक थ्रू आया दोस्तों, देर हैज़ बीन अ ब्रेक थ्रू ऑफ सॉर्ट्स. और ये जो ब्रेक थ्रू आया है दोस्तों, दिस इज़ रिगार्डिंग द रिसर्च शेयरिंग. जो रिसर्च शेयरिंग होती है उसके हिसाब से एक ब्रेक थ्रू आया है. उसके हिसाब से आपका एक ब्रेक थ्रू आया है और एक बार दिखा दें स्क्रीन पर, ये हेडलाइन है क्या, नेशनल पोर्टल टू शेयर रिसर्च फैसिलिटीज सून. अकॉर्डिंग टू अ सेंटर इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, आई अगेन रिपीट, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, दैट इज सेंसे एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, दे आर मेकिंग अ पोर्टल एंड दैट पोर्टल विल हेल्प रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च फैसिलिटीज शेयर देयर रिसर्च और रिजर्व और चेक द रिसर्च अमंग ईच अदर. तो स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक नया नेशनल पोर्टल बनेगा जिसके तहत दे विल शेयर रिसर्च फैसिलिटीज़. ये आपके सामने दिख रहा होगा और इसको बनाया जाएगा बाय द सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग द्वारा. नाउ बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटर दे विल ट्राई टू शेयर रिसर्च, दे विल ट्राई टू चेक रिसर्च और हैव ईजी एक्सेस टू अदर रिसर्च फैसिलिटीज़. वो चीज़ यहाँ पर किया जाएगा. तो सिंपल सी बात समझिए कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग दे विल हैव अ नेशनल पोर्टल जिसके तहत जो देश भर की आपकी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो आपस में रिसर्च को शेयर कर सकती हैं. अच्छा, यहाँ पर एक बात समझिएगा कि इस पर्टिकुलर पोर्टल का नाम है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप. अगेन रिपीट गाइस, इस पोर्टल का नाम आपको अगर दिख रहा है अच्छी बात है. इस पोर्टल का नाम है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका आईस्टेम. तो ये इसके तहत यहाँ पर ये काम किया जाएगा. अब दिखा दें इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स और वो ये रहा आपके सामने. बिकी मोंडाल जी, शुक्रिया आपका 40 रुपीज़ देने के लिए, अच्छी बात है. ओके, द सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट इज सेंसे at the Indian Institute of Science Bengaluru will have a portal that shall provide sharings of research of different facilities. ये जो आपका portal है, ये portal का नाम है Indian Science Technology and Engineering Facilities Map और ISTEM. और अगर बात करें सेंसे के बारे में, सेंसे के जो चेयरमैन इस समय हैं उनका नाम है नवाकंता भट्ट. तो बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा कि ये जो आपका फैसिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड एज ISTEM. It has been launched by Sensei, जो कि पार्ट है आपका Indian Institute of Science का in Bengaluru. अब आगे बढ़ते हैं.
यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछेगा, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन। ज़रा वापस यहीं रुके रहिए गाइस, अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकेश कुमार जी आपके लिए भी कह रहा हूँ कि जो जब हेडलाइन बनेगा तब डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस कर रहे हैं नेशनल एंड फिर डिस्कस करेंगे बिजनेस, लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों। एंड दिस इज़ अ हम्बल रिमाइंडर टू एवरीवन दैट इफ़ यू वांट टू बी अ मास्टर करंट अफेयर्स फॉलो दिस, बिकॉज हम यहाँ पर सिस्टमैटिक काम करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एंड देन गोइंग टू द बिजनेस। तो बात करेंगे बिजनेस की, पर पहले शो तो लगातार देखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेज नंबर 12 पे, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खबर है आपकी वो है रिगार्डिंग क्यूबा, और ये खबर पेज नंबर 12 पर है। ओके एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्यूबा में बने हैं अब नए प्रेसिडेंट। वापस स्क्रीन पे आ जाएं। एज ऑफ नाउ वी हैड अ प्रेसिडेंट बाय द नेम राउल कास्त्रो, he was the younger brother of Fidel Castro who passed away in 2016, but now there will be a new president of Cuba. और ये स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है, Cuban MPs choose the new president. Miguel Díaz-Canel was proposed in Cuba's parliament on Wednesday as the sole candidate to replace Raul Castro as the president. He will become the first non-Castro leader since 1959 revolution. तो दोस्तों आवाज़ हमने सही करने की कोशिश की है फिर से, तो I hope आपको अब आवाज़ बेटर लग रही होगी। सो फिर से रिपीट करें, क्यूबा हैज़ अ न्यू प्रेसिडेंट, उनका नाम है मिगेल दियास कैनेल, ही विल रिप्लेस राउल कास्त्रो एंड ही विल बिकम द वेरी फर्स्ट नॉन कास्ट्रो लीडर सिंस द 1959 रेवोल्यूशन दैट हैपेंड इन क्यूबा। तो ये बनेंगे नए राष्ट्रपति क्यूबा के। एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने। मिगेल दियास कैनेल has been proposed to become the president of Cuba and वो replace करेंगे राहुल कास्त्रो को। वो उस देश के दूसरे, वो उस देश के पहले नॉन कास्त्रो लीडर हैं 1959 रेवोल्यूशन के बाद। अगर कास्त्रो जी की बात करें तो कास्त्रो स्टेप डाउन आफ्टर टेन ईयर्स इन सर्विस 2008 में ये बने थे, जब फिदेल कास्त्रो ने इनको दिया था गद्दी when he was feeling sick and he was not well. And now the new president is Miguel Díaz-Canel. अगर हम क्यूबा की बात करें तो क्यूबा का जो कैपिटल है वो है हवाना, लग रहा है हरियाणा, पर कैपिटल हवाना है। जो पार्लियामेंट वहाँ की है उसका नाम है नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पा, एंड जो करेंसी वहाँ की है उसका नाम है पेसो। तो ये तीन चीज़ ध्यान दीजिएगा, कैपिटल इज़ हवाना, द पार्लियामेंट्स नेम इज़ नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पा एंड द करेंसी हियर इज़ दैट इज़ पेसो। अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने। वेल वी कैन सी टू फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ US, दो पूर्व राष्ट्रपति आपको इमेज में दिख रहे हैं। एक तरफ है दी ओल्डर वन, ही इज़ जॉर्ज बुश सीनियर, एंड देन द यंगर वन, ही इज़ ऑफकोर्स द मस्ट इनफेमस एक्स प्रेसिडेंट ऑफ US, दैट इज़ जॉर्ज बुश जूनियर, एंड उनके बीच में जो है दैट ही इज़ द वाइफ ऑफ सीनियर एंड द मदर ऑफ जूनियर, हर नेम वॉज बारबरा बुश एंड शी हैज़ गाइस पास्ड अवे। तो ये खबर जो आपकी है ये पेज नंबर 12 पर है। अ वैल्यूबल अलाय to two US presidents, Barbara Bush was vocal in championing causes for of her choosing like literacy and civil rights. So, inka dehant ho gaya hai, yaad rakhiyega. She was born in 1925 and she has passed away this year. Inka naam hai Barbara Bush and she was the first lady in 1990s and she was the mother of George W. Bush Jr. Ye bhi inka bhi dehant yahan par ho gaya. वापस स्क्रीन पे आते हैं, मे हर सोल रेस्ट इन पीस एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने। चलिए अब बात करते हैं हम आज के फाइनेंशियल टर्म्स की, लेट्स फोकस ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स गाइस, और इसके लिए हम आपको दिखाते हैं आज हमारे फाइनेंशियल टर्म्स कौन कौन से हैं। आज हमारे तीन टर्म्स हैं दोस्तों, और ये दो टर्म्स हैं दोस्तों, ये दोनों टर्म्स ही आपके जो हैं वो न्यूज़ में है। जो आज का पहला टर्म है दैट इज़ SMA, ज़रा स्क्रीन पर दिखा दें इसी A4 शीट को, एंड ये रही आपके सामने SMA। फर्स्ट ऑफ ऑल SMA का फुल फॉर्म है
स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब बताते हैं ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, भोला बॉट अ फरारी एंड द ड्यू डेट फॉर द EMI पेमेंट इज 1st March। सो इफ भोला विल पे EMIs on 1st March, the account will be called as a standard account. But if the delay in payment is between 0 to 30, it will be called as SMA0. If it is between 30 to 60, it will be called as SMA1, and if it is between 60 to 90, it will be called as SMA2. तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भोला जी ने खरीदी फरारी, एंड फरारी खरीदने के लिए जो उनका EMI पेमेंट की डेट है वो आती है आपकी 1st March को। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि 1st March को अगर पेमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट। अगर डिले होगा 0 से 30 दिन के बीच तो SMA0, अगर 30 से 60 दिन के बीच तो 31 to 60 के बीच देन इट विल बी SMA1, एंड अगर 61 to 90 है तो इसके बीच होगा आपका SMA2। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर डिले है, मतलब अगर 30 दिन तक पैसा नहीं पे किया तो SMA0, अगर 30 दिन से अधिक और 60 दिन तक नहीं किया तो SMA1, नहीं किया तो SMA2, और अगर 90 दिन से ऊपर किया इसे हम कहेंगे NPA, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट या फिर नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो आई होप मैंने इसको पहले भी कराया था और अब आपको ये समझ में आ गया है। तो वापस स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों। सो गाइस, ये न्यूज़ में है बिकॉज अभी जो RBI डिप्टी गवर्नर है मिस्टर NS विश्वनाथन, उन्होंने कहा था कि ये जो नया नॉर्म है ये सही है, एंड RBI विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड दीज गाइडलाइंस टू द बैंक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी PPT, जहाँ पर कि आप देख पाओगे डिफरेंस क्या होता है एक ओवरड्राफ्ट में और एक कैश क्रेडिट में, और उसके लिए चलना पड़ेगा हमें अपने PPT पर। वो ये रहा आपके सामने। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप अपने अकाउंट के बैलेंस के ऊपर का पैसा उस अकाउंट पर लो, व्हेन यू ड्रॉ एन अमाउंट विच इज़ हायर देन द बैलेंस इन योर अकाउंट, देन दैट पर्टिकुलर अमाउंट, दैट पर्टिकुलर एडवांस विल बी कॉल्ड एज अ ओवरड्राफ्ट। सिमिलरली जब बैंक आपको पैसा प्रोवाइड करे अगेंस्ट शेयर्स, अगेंस्ट सिक्योरिटीज, अगेंस्ट डेब्ट्स, तो उसे हम कहते हैं कैश क्रेडिट। के अंतर है, अकाउंट की बात करेंगे, अगर अकाउंट पर आपको एडवांस मिलेगा तो उसे कहा जाएगा ओवरड्राफ्ट, और अगर आपको आपके शेयर्स को देखकर, कमोडिटीज़ को देखकर, आपके इन्वेस्टमेंट को देखकर अगर पैसा मिलेगा तो उसे कहा जाएगा कैश क्रेडिट। अगर हम बात करें कैश क्रेडिट की तो बेसिकली ये एक करंट अकाउंट की तरह काम करता है, पर अंतर यहाँ पर ये होता है कि इसका रिलेशन आपके अकाउंट से नहीं होता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सिक्योरिटी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कमोडिटी और द शेयर जिसके एवज में आपने पैसा दिया है। तो देखिए बेसिक डिफरेंस ये है कि ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट इज़ बेसिकली एन एडवांस अमाउंट दैट यू कैन बोरो बेस्ड ऑन द बैलेंस इन योर अकाउंट। जो आपके अकाउंट में बैलेंस है उसके ऊपर आप जो पैसा लेते हो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। सिमिलरली कैश क्रेडिट में आपका ऐसा नहीं होता, कैश क्रेडिट में आप सिक्योरिटीज दिखाकर, शेयर दिखाकर या डेब्ट दिखाकर पैसा लेते हैं। तो अंतर बहुत ही बेसिक सा अंतर यहाँ पर यह है कि इन एन ओवरड्राफ्ट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट विल बी वेरी क्रूशियल। जो आपका बैलेंस है उसके हिसाब से आपको मिलेगा, पर ऐसा आपका कैश क्रेडिट में नहीं होता है। तो देखिए दो अंतर यहाँ पर है, नंबर वन है आपका ओवरड्राफ्ट, नंबर टू आपका है कैश क्रेडिट। तो इस चीज़ को एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, वी हैव नो डाउट सो फार। और अगर अभी तक आपको शो पसंद आ रहा है तो शो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको शो सही मायनों में पसंद आ रहा है।
तो चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अगर कोई डाउट नहीं है तो कमेंट्स में लिख दीजिए यस सर यस सर यस सर वी हैव नो डाउट व्हाटसोएवर, ताकि हम अपने शो को और आगे बढ़ा पाएँ। तो सबको यहाँ पर क्लियर हो गया है, अगर 50% भी क्लियर है तो अच्छी बात है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इफ़ यू टेक अ लोन ऑन एन अकाउंट दैट इज़ ओवरड्राफ्ट एंड इफ़ यू टेक एन एडवांस बेस्ड ऑन सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन शेयर्स इट इज़ कॉल्ड एज अ कैश क्रेडिट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, और वो ये रही आपके सामने, ये है पेज नंबर 18 पे दोस्तों। दिस इज ऑन पेज नंबर 18, ओके। इनका नाम है मिस्टर भीमसेन खुराना एंड ही वॉज अ फिल्म मेकर एंड ही हैज पास्ड अवे। स्क्रीन पर देखिएगा, ओके, हिज नेम इज भीमसेन खुराना, ही वॉज अ फिल्म डायरेक्टर एंड ही वॉज फेमस फॉर मूवीज लाइक एक अनेक और एकता एंड बेसिकली इन्होंने कई और शॉर्ट फिल्म्स को, कई और इन्होंने फिल्म्स को डायरेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट फिल्म जो उन्होंने बनाई थी वो थी द क्लाइम 71 में। उसके अलावा इन्होंने कई और मूवीज़ पे काम किया, फॉर एग्जाम्पल ना एक दो, मुन्नी, फ्रीडम इज़ अ थिन लाइन, मेहमान, कहानी हर ज़माने की, बिजनेस इज़ पीपल। मतलब ही वॉज बेसिकली अ फिल्म मेकर, ही वॉज फिल्म डायरेक्टर एंड ही हैज़ पास्ड अवे। इनका नाम है भीमसेन खुराना। तो याद रखिएगा, भीमसेन खुराना हु वॉज अ फिल्म मेकर, हु डायरेक्टेड मूवीज़ लाइक द क्लाइंब, एक दो, मुन्नी, फ्रीडम इज़ अ थिन लाइन, मेहमान, इन ये जो आपके थे इनका देहांत हो गया एंड ही वॉज बेसिकली अ फिल्म मेकर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने एंड दिस इज़ द इमेज गाइस। वेल, जो आपका डिज्नीलैंड, जो आपका वॉर्नर ब्रदर्स का वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क है दैट हैज़ बीन ओपन्ड इन अबू धाबी। वापस जरा स्क्रीन पे एक बार आ जाए, बात समझिएगा ध्यान से। स्पेशली इन सऊदी अरेबिया इन द प्रीवियस 6 months और सो दे आर ट्राइंग टू हैव मच मोर फ्रीडम एंड स्पेशली मच मोर क्रिएटिव फ्रीडम। जो वहाँ के प्रिंस हैं सलमान, उनका मानना है कि वी शुड ओपन आर सेल्व्स टू द वर्ल्ड। जो वेस्ट का आपका एक कल्चर है, मूवीज़, एंटरटेनमेंट, थीम पार्क्स, उनको हमें लाना पड़ेगा। सो फॉर दैट ही हैज़ अग्रीड ऑन अ विजन, दैट विजन इज़ कॉल्ड एज विजन 2030 एंड उसके तहत डिफरेंट तरह के काम वो कर रहे हैं। ऑन द सेम लाइन्स ऑफ द विजन 2030 दे आर कंटिन्यूइंग विद दिस पार्क जो कि बना है इन अबू धाबी। तो स्क्रीन पर दिखा दें, अबू धाबी गेट्स अ न्यू थीम पार्क, अबू धाबी विल ओपन अ $1 billion इंडोर वॉर्नर ब्रदर्स अम्यूजमेंट पार्क दिस ईयर एंड इस पार्क का नाम दोस्तों रखा गया है द वॉर्नर ब्रदर्स वर्ल्ड पार्क, और इसको बनाया गया है बाय अबू धाबीज गवर्नमेंट ओन्ड माइरल असेट मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आई अगेन रिपीट गाइज, द वॉर्नर ब्रदर्स वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क हैज़ बीन ओपन्ड इन अबू धाबी। दिस पार्क नेम इज़ द वॉर्नर ब्रदर्स वर्ल्ड पार्क। It has been built by Abu Dhabi government owned company called as Miral Asset Management. और इसका जो कीमत है वो करीब करीब आपकी $1 billion है। तो एक तो ये खबर ही, उसके नीचे चलें और बात करें दूसरी खबर की, दैट इज़ रिगार्डिंग ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर की जो स्क्रीनिंग है वो हुई आपकी इन सऊदी अरेबिया एंड विद दिस इट हैज़ बिकम द फर्स्ट मूवी इन 35 years टू हैव अ स्क्रीनिंग इन सऊदी अरेबिया। इस मूवी का नाम है ब्लैक पैंथर। तो स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से, ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म ब्लैक पैंथर प्लेड एट अ सिनेमा टेस्ट स्क्रीनिंग इन सऊदी अरेबिया ऑन वेंसडे, द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ ट्रायल रन्स बिफोर मूवी थिएटर्स ओपन टू द वाइडर पब्लिक नेक्स्ट मंथ। तो जो पहली मूवी लॉन्च होने वाली है इन सऊदी अरेबिया प्रोबेबली दैट इज द ब्लैक पैंथर एंड इसको लॉन्च करेगा द AMC एंटरटेनमेंट थिएटर्स, जो कि दोस हैव बिकम द फर्स्ट सिनेमा थिएटर चेन टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस इन सऊदी अरेबिया आफ्टर 35 years। तो उनके तहत ये आपकी मूवी लगेगी इन नेक्स्ट मंथ। इस मूवी का नाम है ब्लैक पैंथर। तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें आपको इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। अबू धाबी विल हैव अ $1 billion इंडोर वॉर्नर ब्रदर्स अम्यूजमेंट पार्क दैट विल बी इन जुलाई। इसका नाम होगा द वॉर्नर ब्रदर्स वर्ल्ड पार्क। इट हैज़ बीन बिल्ड बाय द अबू धाबी गवर्नमेंट ओन्ड मिराल असेट मैनेजमेंट। ये थी पहली खबर।
अगर दूसरी खबर की बात करें तो वो खबर है रिगार्डिंग ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर की स्क्रीनिंग जो होगी दैट पर्टिकुलर स्क्रीनिंग विल बी डन इन सऊदी अरेबिया एंड 35 सालों बाद ऐसा होगा कि ऐसी कोई मूवी वहाँ पर स्क्रीन फिर से की जाएगी। अगर हम ब्लैक पैंथर की बात करें तो ब्लैक पैंथर बेसिकली इज़ अ ब्लॉक बस्टर एक्शन फिल्म एंड ये पहली फिल्म है 35 सालों में जो वहाँ बनेगी और इसको वहाँ पर रिलीज़ करेगा द AMC एंटरटेनमेंट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट या सिनेमा चेन है। अगर बात करें ब्लैक पैंथर की तो ब्लैक पैंथर के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है रायन कुगलर हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी दैट इज़ ब्लैक पैंथर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपनी तीसरी खबर की, आते हैं पेपर पे। सुपरमैन जो हम सबका प्यारा दुलारा है, सुपरमैन हैज़ टर्न 80, 80 वर्ष का हो गया है सुपरमैन। सुपरमैन क्रिएटेड बाय राइटर जेरी सीगल एंड आर्टिस्ट जॉय शस्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन April 18 एंड नाउ ऑन April 18 हैज़ बिकम 80 ईयर्स ओल्ड। 18 वर्ष का आपका हो गया है द सुपरमैन एंड विद दिस इट इज़ कमेमोरेटिंग सुपरमैन 80th बर्थडे एंड DC एंटरटेनमेंट क्या निकालेगा, इट विल पब्लिश एक्शन कॉमिक नंबर 1000। वैसे पहली बार ये लॉन्च हुआ था एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 पे और अब टू कमेमोरेट द सक्सेस वो लॉन्च कर रहे हैं द एक्शन कॉमिक नंबर 1000 और इस पर्टिकुलर कॉमिक का नाम होगा द रेड ट्रंक्स रिटर्न एंड जो कि करीब 5 लाख के ऊपर यूनिट टेंस हमारे बहुत ज़्यादा कॉपीज़ इसकी यहाँ पर बिक गई हैं। तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉट जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। सुपरमैन क्रिएटेड बाय द राइटर जेरी सीगल एंड द आर्टिस्ट जॉय शस्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन April 18, 1938 एंड ये जो आपका था ये लॉन्च हुआ था इन एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 एंड बेसिकली अब एक्शन नंबर कॉमिक नंबर 1000 के रूप में इसको फिर से लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा। तो इस चीज़ को भी बड़े कायदे से एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों वी हैव कवर्ड द हिंदू बट अभी बहुत सारी खबरें बाकी हैं, उसके लिए चलते हैं हम अपने अदर हेडलाइंस के सेक्शन में और वो ये रहा आपके सामने एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू बी नाउ रेडी। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं वो रेडी हो जाएं और अगर अभी तक शो पसंद आया है तो बिल्कुल शो को पहले तो सब लोग लाइक कर लें। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं इसी के पार्ट पर और अब ये रहा आपके सामने द फर्स्ट हेडलाइन। April 18 वाहियात, अरे रणधीर भाई वाहियात न्यूज़ नहीं है, एग्जाम में आता है, सवाल आएगा कि विच फेमस एनिमेटेड मार्वल कैरेक्टर है कंप्लीटेड 80 ईयर्स, तो वहाँ आंसर आएगा आपके सामने सुपरमैन। यार ऐसा मत बोलो दिल दुखता है प्लीज़। चलो तो वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका मनाया गया 18 अप्रैल को और बेसिकली इंडिया में 36 ऐसे साइट्स हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। फॉर एग्जांपल इट कुड बी द हिमालय नेशनल पार्क, इट कुड बी द खांजाजोंगा नेशनल पार्क, इट कुड बी द माउंटेन रेलवेज, तो कई सारी ऐसे साइट्स हैं जो डिक्लेयर की गई हैं एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो उनमें उनको मनाया गया ऑन 18 अप्रैल। हनी कुमारी अगर आपको नींद आ रही है उठिए, मुँह में छिट्टा मार के वापस बैठ जाइए, नींद गायब हो जाएगी। फिर बात करते हैं सेकेंड हेडलाइन की, Nifty 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स, इसको लॉन्च किया है बाय द इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें इस हेडलाइन की तो जो IISL है उसको ज़रा मार्क कर दीजिएगा। दिस इज़ बेसिकली अ कंपनी ऑफ निफ्टी, ये आपका NSE की एक कंपनी है जिसका नाम है IISL। इसका मेन फंक्शन होता है टू मैनेज इंडेक्सेस, टू इम्प्रूव इंडेक्सेज और टू लॉन्च न्यू इंडेक्सेज और न्यू इंडाइसेज। तो जो IISL है विच इज़ अ कंपनी ऑफ NSE, उसने हाल ही में लॉन्च किया है Nifty 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स, जिसमें आपकी होंगी टॉप 30 कंपनीज और बेसिकली ये वर्क करेंगी अंडर द निफ्टी इंडेक्स। और इसके लिए मेन मुद्दा होगा कि जो उनका क्वालिटी स्कोर है उसको देखा जाएगा। ये है हमारी सेकेंड हेडलाइन। फिर थर्ड हेडलाइन की बात करते हैं, रणजी ट्रॉफी न्यू टीम्स, दो नई टीम्स आपकी लाई जाएंगी रणजी ट्रॉफी में, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं सौरव गांगुली। सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर सौरव गांगुलीज टेक्निकल कमिटी, BCCI को रिकमेंड किए गए हैं दो टीम्स जो कि रणजी ट्रॉफी का पार्ट होंगी, उनमें पहला नाम है आपका बिहार एंड सेकेंड आपका है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये दोनों को लॉन्च किया जाएगा इन द कमिंग एडिशन ऑफ रणजी ट्रॉफी। तो देखिए तीन खबरें यहाँ पर हैं, सबसे पहला 18 अप्रैल को मनाते हैं हम द वर्ल्ड हेरिटेज डे, उसका थीम है हेरिटेज फॉर जनरेशंस। सेकेंड एक नया इंडेक्स लॉन्च हुआ, उस इंडेक्स का नाम है Nifty 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स। थर्ड हेडलाइन,
रणजी ट्रॉफी में नई टीम्स आई हैं आपकी, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और इसको मैंने नहीं कहा, इसको बनाया गया है बाय द सौरभ गांगुली लेड टेक्निकल कमिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट खबरें। एक सवाल आ रहा है सर, निफ्टी क्या है? देखिए, निफ्टी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। इट इज़ द मेन इंडेक्स ऑफ द NSE। फिर बात करते हैं अबाउट टाइम 100 रीडर पोल के हिसाब से जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हैं, दैट हैज़ बीन वन एज पर द पॉपुलर डिमांड नॉट बाय द टाइम ग्रुप बट बाय द ऑनलाइन रीडर्स। इट इज़ द कोरियन पॉप ग्रुप और द के पॉप ग्रुप, इसका नाम है BTS। तो यहाँ पर बात समझिएगा ध्यान से, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, पर एज पर द ऑनलाइन रीडर्स पोल, जो ऑनलाइन रीडर्स पोल है उसके हिसाब से जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है वो अवार्ड दिया जाएगा टू कोरियन पॉप ग्रुप दैट इज BTS। उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, सेकेंड नंबर पे हैं उसी कंट्री के साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जा इन, एंड थर्ड नंबर पे हैं आपके बराक ओबामा। सो इस बार जो टॉप थ्री ऑनलाइन रीडर पोल्स में आपके नाम है उनमें पहला है आपका के पॉप ग्रुप BTS, सेकेंड है द साउथ कोरियन पॉप ग्रुप, सेकेंड है आपका जो प्रेसिडेंट बने हैं नए मून जा इन, और थर्ड जो आपके हैं उनका नाम है US प्रेसिडेंट का जो है बराक ओबामा। फिर बात करते हैं अपनी पांचवी हेडलाइन की, इन टर्म्स ऑफ द इनोवेशन इंडेक्स जो भारत की रैंक है वो है 10th। सो इन टर्म्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स द रैंक ऑफ इंडिया गाइस इज एट 10th। इस लिस्ट को टॉप किया है बाय UK, सिंगापुर एंड कनाडा, ये टॉप थ्री हैं और इंडिया जो है वो आपका 10th पर है। ये जो इंडेक्स इसको बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनुअल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसके तहत इसको यहाँ पर बनाया गया है और ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। सो देखिए, चौथी या पाँचवीं खबर है कि के पॉप ग्रुप BTS को मिला है द ऑनलाइन रीडर्स पोल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एंड इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन इंडेक्स इंडिया इज एट द 10th स्पॉट। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी छठवीं और सातवीं खबर, ये रही आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द NCRB रिपोर्ट, अब NCRB का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, दैट इज द NCRB रिपोर्ट, बिहार हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ क्राइम। बिहार के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्राइम पाया गया है, और इस रिपोर्ट की बात करें तो सबसे कम जो क्राइम है वो आपका पाया गया है इन वेस्ट बंगाल। अगर NCRB की बात करें, NCRB का फॉर्मेशन हुआ 1986 में, इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, और इसका जो डायरेक्टर है उनका नाम है ईश कुमार। तो देखिए, चार चीज़ें हैं। सबसे पहले, NCRB रिपोर्ट में बिहार ऑब्वियसली बात है, कोई इसमें शर्म की बात नहीं, पर बेसिकली वो हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम है इंडिया में, और वेस्ट बंगाल में लोएस्ट रेट ऑफ क्राइम है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। फिर बात करते हैं अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा मार्क कर दीजिएगा, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो खबर हम डिस्कस करने जाएंगे, बिकॉज ये खबर एग्जाम में आती है कई बार, दैट इज़ रिगार्डिंग दर्पण। दर्पण PLI ऐप को लॉन्च किया गया है। दिस पर्टिकुलर ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मनोज सिन्हा, इनके ही अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। मनोज सिन्हा इज़ बेसिकली द कम्युनिकेशंस मिनिस्टर। न्यूज़ गलत है प्रजापति जी, गलत क्यों है भैया, बता दीजिए एक बार ध्यान से। ओके, सो दर्पण PLI ऐप को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, दर्पण का फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल कॉस्ट और रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। तो सबसे पहले तो इसका याद रखिएगा कि जो फुल फॉर्म दर्पण का है, दैट इज़ डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, दैट इज़ दर्पण। तो इसको लॉन्च किया गया है, एंड इसको लॉन्च किया गया है बाय द कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिस्टर मनोज सिन्हा, और बेसिकली ये हेल्प करेगा फॉर द कलेक्शन ऑफ प्रीमियम ऑफ द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑफिसेज एंड द रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस, उसको हेल्प करेगा, उसके लिए इसको यहाँ पर किया गया है। और थैंक यू सो मच सुशांता बेहरा फॉर 20 रुपीज़, आपका शुक्रिया हमें डोनेट करने के लिए। तो ये चीज़ एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी लास्ट हेडलाइन, जो कि ये रही आपके सामने। वी हैव अ पोषण अभियान, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, पोषण का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। आई विल अगेन रिपीट, द फुल फॉर्म ऑफ पोषण गाइस इज प्राइम मिनिस्टर्स
ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोषण. तो पोषण अभियान को लॉन्च, पोषण अभियान के अंतर्गत जो पहली मीटिंग है उसको किया गया बाय द नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंजेस हेल्ड इन न्यू दिल्ली. तो उसका पहला मीटिंग आपका हुआ एंड ये आपका हुआ न्यू दिल्ली में. इस मीटिंग में इसको, इस पर्टिकुलर अभियान को लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन झुंझुनू इन मार्च 2018. तो उस महीने में इसको लॉन्च किया गया और इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन. चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं. तब तक अगर शो पसंद आ रहा है तो शो को लगातार लाइक करते रहिएगा. अब नाउ गाइस वी हैव कम टू द क्विज सेक्शन. तो आई होप अब आप सब रेडी हैं. ये जो क्विज सेक्शन है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे. एंड चलिए तो शुरू करते हैं क्विज सेक्शन पर. और ये रहा आपके सामने द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर 2019 एज पर IMF's लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट. यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि IMF की रिपोर्ट का नाम होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये IMF का नाम है. सिमिलरली वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का नाम होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. सो इस रिपोर्ट में फॉर 2019 व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट एंड द आंसर गाइस हियर इज इट इज़ एट 7.8%. तो 2019 में द IMF अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ एट 7.8%. दिखाते हैं अब हमारा नेक्स्ट सवाल. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2018 वर्ल्ड हेरिटेज डे दैट इज़ WHD डे. क्या थीम है इस बार के 2018 के वर्ल्ड हेरिटेज डे की. एंड द आंसर गाइस इज इट इज़ हेरिटेज फॉर जनरेशंस. अगर हम इस दिवस की बात करें तो तीन चीज़ याद रखिएगा. सबसे पहला कि इंडिया में देर आर 36 साइट्स दैट लाई अंडर द हेरिटेज साइट्स. उनमें फेमस साइट्स हैं आपका कोणार्क टेम्पल, द हिमालय नेशनल पार्क, माउंटेन रेलवे, ये फेमस आपके हेरिटेज साइट. सिमिलरली सुंदरबंस भी एक बहुत ही फेमस हेरिटेज आपका साइट है एंड ये आपको मनाया जाता है 18 अप्रैल को. दिखाते हैं अगला सवाल. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंजेस अंडर पोषण अभियान हैज स्टार्टेड इन विच सिटी. कौन से शहर में हाल ही में जो नेशनल काउंसिल ऑफ हाल ही में पोषण अभियान को लेकर नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंजेस का पहला मीटिंग हुआ. एंड द आंसर गाइस हियर इज इट इज़ न्यू दिल्ली. 2000 लोग आ गए हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट अपडेट. अब यहाँ पर दोस्तों सवाल मेरा आपसे है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पोषण. पोषण का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है इसका जवाब आपको देना है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको अगला सवाल. Which country has recently become the signatory member of the International Solar Alliance? हाल ही में कौन सी कंट्री ने साइन किया है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ISA? एंड द आंसर इज इट इज़ यूनाइटेड किंगडम. अगर इस खबर की बात करें तो विद दिस सिग्नेचर UK हैज़ बिकम द 62nd मेंबर ऑफ द ISA. द हेडक्वार्टर्स ऑफ ISA आर इन गुड़गांव हरियाणा. And it is the first ever international treaty-based organization to have a headquarter in India. तो यहाँ पर जो members हैं वो अब आपके सामने, जो signatory members हैं वो आपके सामने 62 हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारा अगला सवाल. भीमसेन who passed away recently, ये मैंने आज ही discuss किया है, was the veteran personality from which field? कौन से फील्ड से संबंधित थे आपके भीमसेन. दैट इज़ माय क्वेश्चन गाइस. विथ विच पर्टिकुलर फील्ड डिड भीमसेन वाज रिलेटेड. एंड द आंसर गाइस हियर इज इट इज़ फिल्म मेकिंग. ही वाज बेसिकली अ वेरी फेमस फिल्म मेकर. सवाल यहाँ पर है कि उनकी कोई भी दो मूवीज़ के नाम आप मुझे बता दीजिए. तब तक हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको अगला सवाल. Which social platform has started rolling out changes based on EU recommendations? कौन सा बहुत ही फेमस सोशल वेबसाइट है जिसने जो यूरोपियन यूनियन के सुझाव थे उनके जो रिकमेंडेशंस थे उस पर काम करके उन्होंने कुछ चेंजेस किए अपने अपने प्लेटफॉर्म पे. एंड आंसर यर गाइज इज आंसर इज इट इज़ फेसबुक. देखिए फेसबुक का अभी इशू चल रहा है और जिनको नहीं पता है वो पढ़ लीजिएगा. द कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, दैट स्कैंडल इज टेकिंग प्लेस एंड उसमें फेसबुक का नाम कई बार आया है. तो बिल्कुल ये जो आपका CA स्कैंडल है इसको एक बार बिल्कुल पढ़ लीजिएगा. अब दिखाते हैं आपको अगला सवाल. तब तक अगर शो पसंद आया तो बिल्कुल लगातार लाइक करते रहिएगा. आसान सवाल है दोस्तों. द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. कौन सी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं द वर्ल्ड हेरिटेज डे. एंड द आंसर गाइस हियर इज इट इज़ द 18th ऑफ अप्रैल. अब आगे बढ़ते हैं.
और दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये रहा आपके सामने, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस वॉज लॉन्च्ड। ये सवाल थोड़ा पुराना है और जो लोग मेरा शो लगातार देख रहे हैं वो जानते होंगे इस सवाल के बारे में, कौन से शहर में हाल ही में शुरू हुआ द फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टैक्सी। एंड द आंसर हियर गाइस इज इट इज़ बेंगलुरु, बेंगलुरु में आपका शुरू हुआ। यहाँ पर जो प्राइस है वो करीब 4000 के ऊपर है एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय तंबी एविएशन जो कि वहाँ की एक सिविल एविएशन की कंपनी है। अब ले चलते हैं आपको हमारे अगले सवाल पर, नेम द पर्सन हु हैज स्टॉप्ड द फोर्ब्स मैगजीन लिस्ट 2018 ऑफ बिलियनियर्स। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के 2018 के बिलियनियर्स हैं उसकी लिस्ट को टॉप किया है, इट हैज एक्चुअली टॉप्ड दैट पर्टिकुलर लिस्ट। एंड द आंसर हियर गाइस इज द आंसर इज इट इज जेफ बेजोस, उन्होंने हाल ही में इस लिस्ट को टॉप किया। आते हैं अगले सवाल पर, अब चलते हैं हम वापस आए स्क्रीन पर। सो गाइस नाउ विल फोकस ऑन द केस स्टडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये एंड दैट इज रिगार्डिंग कैश क्रंच। तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस। सबसे पहले ये जो आपका आर्टिकल है ये मैंशनड है पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर इशू है आपका कैश क्रंच, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मार्क करिएगा कि कैश का शॉर्टेज है बड़ी मात्रा में इन स्टेट्स जिनके नाम है तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इनमें बहुत बड़ी मात्रा में आपके कैश का क्रंच है। तो मैं बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहला जो मुद्दा यहाँ पर है, मुद्दा है कि कैश क्रंच है नंबर 1। नंबर 2 कौन कौन से स्टेट्स में है आपका, ये है तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में, जहाँ पिछले 14 डेज़ में बहुत ही बड़ी मात्रा में आपका कैश क्रंच है। यहाँ पर अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो वित्त मंत्रालय है उसने कहा है कि ये क्या है आपका, ये सपना है, ये एक आपका वहम है, जरा मार कर दीजिएगा वर्ड को, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। सो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री ये क्या है, ये आपका एक फाइनेंस, ये एक मैनिफेस्टेशन है, आपका एक वहम है। तो तीन चीज़ें हैं, पहला कि कैश क्रंच हो गया है, सेकेंड कई स्टेट्स में है, थर्ड ये एक वहम है। यहाँ पर द मीनिंग ऑफ फोर्टनाइट इज द प्रीवियस 14 डेज। अब अगर यहाँ बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि बहुत सारा पैसा है, वी स्टिल हैव ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश, हमारे पास बड़ी मात्रा में पैसा है, आप परेशान ना होइए, पर डिपॉजिट का फियर है कि शायद ये जो कुछ हो रहा है दैट इज़ रिगार्डिंग दी FRDI बिल 2017। जरा इसको मार्क कर दीजिएगा फिफ्थ पॉइंट को, कि अकॉर्डिंग टू वेरियस पीपल जो उनके हिसाब से खतरा है वो खतरा है कि जो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल है इसका मेन कारण है कि ये होने वाला है, इस वजह से दिक्कत होने वाली है। इसको डिस्कस मैं बाद में करूँगा पर इसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये जो एक फियर है वो लोगों के दिमाग में है कि जो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल है ये कारण है इस कैश क्रंच का। उनका मानना है कि वो पैसा जो हमारा है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस, जो लॉसेस हैं आपके उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो ये है कि 2000 का नोट, जरा मार्क करेगा सेवन पॉइंट को, कि 2000 का नोट है उसको लोगों ने रख लिया है, ये जो नोट है ये फेवरेट बन गया है लोगों का और ये लोगों ने अपने घर में होल्ड कर लिया है या फिर रख लिया, किसको, 2000 के नोट को। कारण क्या है इसका, कारण यह है कि जो बाकी नोट्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, बाकी नोट्स आपके फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो 2000 के नोट लोगों ने फ्री में रख लिए हैं। और लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट ये है कि अभी भी ATMs के अंदर 200 रुपए के नोट को अभी तक हम ला नहीं पाए हैं, सारे ATMs अभी आपके 200 रुपए के नोट निकाल नहीं पा रहे हैं। और आखिरी पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये एक सिग्नल है कि अभी भी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 8 और 9 को ये सब उसी का एक कारण है। ऑल दीज थिंग्स बेसिकली आर द रिजल्ट्स ऑफ द डिमोनेटाइजेशन दैट हैपेंड ऑन नवंबर 8 एंड नवंबर 9, तो ये सब उसी के यहाँ पर कारण है। दोस्तों मैंने आपको दे दिए 9 पॉइंट्स, अगर आपको 50% भी क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा, यस सर यस सर यस सर 50% हमें ये क्लियर है, एक बार डाल दीजिएगा। एंड अब आपको दिखा दें हमारी लास्ट हेडलाइन गाइज, लास्ट इमेज गाइज, एंड दिस इज द लास्ट। उससे पहले हमारा 20 मतलब कल हमारा एक सेमिनार है, दैट सेमिनार विल हैव माई सेल्फ, इट विल हैव सुमित सर, सचिन सर एंड सौरभ सर, कल इसको देखना मत भूलिएगा।
ये लाइव तो नहीं आएगा, पर ये बिल्कुल ये सेमिनार होगा। तो जो लोग भी दिल्ली में हैं वो सेमिनार में आ सकते हैं। एंड 24 अप्रैल से हम अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो तब तक आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो एवरीवन काइंडली कम टू सेमिनार। एंड 24 अप्रैल को वी आर हैविंग अ न्यू बैच फॉर यू ऑल। एंड इसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए तो अब आपको दिखा दें हमारी लास्ट इमेज गाइस, वो ये रहा आपके सामने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब तक अगर पसंद आया शो तो लाइक कर लीजिएगा। सॉरी वर्क्स व्हेन अ मिस्टेक इज मेड बट नॉट व्हेन ट्रस्ट इज ब्रोकन। सो इन लाइफ मेक मिस्टेक्स बट नेवर ब्रेक ट्रस्ट, बिकॉज फॉरगिविंग इज ईजी बट फॉरगेटिंग एंड ट्रस्टिंग अगेन इज समटाइम्स इम्पॉसिबल। देखिए दोस्त, दुनिया में अगर आप कोई गलती करते हैं तो सॉरी बोल दीजिए, चल जाएगा। पर अगर आप किसी का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं तो इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल समटाइम्स टू बेसिकली रीगेन दैट ट्रस्ट अगेन। सो विद दीज लाइन्स, दिस इज कुश पांडे साइनिंग आउट फ्रॉम द शो गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विथ मी। बाय, टेक केयर एंड विल बैक अगेन टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। टाटा, बाय एंड पीस आउट।